हेलो फ्रेंड, वेल्कम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमने बात किया था स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, उसके अंदर जो दो मेथड हैं उनके बारे में भी हल्का डिस्कस किया, और मेनली डिस्कस किया था मेथड वन, जिसके अंदर हमने बात किया था मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ एनी गिवन प्रोडक्ट। तो आज मैं क्या करने वाला हूं, आपको उस मेम्ब्रेन फिल्टर की एक बेसिक असेंबली को जस्ट डेमो करने वाला हूं कि ये उसके पार्ट होते हैं, ये उसके फंक्शन होते हैं। वर्किंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वो पॉसिबल अभी फिलहाल मेरे लेबोरेटरी में है ही नहीं, और ना ही मैं उसके बेसिक बेसिक चीजों को करके दिखाने वाला हूं, बट मैं आपको वो इंस्ट्रूमेंट दिखाने वाला हूं, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट दिखाने वाला हूं, उन इंडिविजुअल कंपोनेंट के काम के करने के तरीके भी बताने वाला हूं। एनिमेशन तो आपने देखा ही हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पार्ट से। जब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की, तो उसमें एक कलेक्टिंग फ्लास्क का बहुत बड़ा रोल होता है। कलेक्टिंग फ्लास्क यानी कि सिंपल सा एक ऐसा फ्लास्क जो कि फ्लूइड को फिल्ट्रेशन होने के बाद कलेक्ट करता होगा, तो यह एक फ्लास्क ही है। इस फ्लास्क में हम आपके उस पर्टिकुलर लिक्विड को कलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर आपको डाउट था, या आप उस पर्टिकुलर लिक्विड या उसमें कोई डिजॉल्व सॉलिड या अनडिजॉल्व सॉलिड के कुछ स्पेसिफिक मटेरियल को स्टडी करना चाहते हैं कि उसमें कोई मैक्रोजम प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो मेम्ब्रेन फिल्टर से होकर के गुजरेगा। जब होकर के गुजरेगा इसका मतलब है कि कुछ पार्ट तो आपके अगर मैक्रोजम के होंगे तो आपके फिल्टर पेपर के ऊपर रुक जाएंगे, लेकिन जो लिक्विड होगा वो तो डेफिनेटली नीचे की ओर आएगा। तो उसको कलेक्ट करने के लिए जिस असेंबली का यूज करते हैं वो हमारा कहलाता है कलेक्टिंग फ्लास्क। और हर एक चीज जिसको मैं आपको यहां पे डेमो कर रहा हूं, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी पार्ट, हैज टू बी कंप्लीटली स्टेरिलाइज्ड। उसमें कोई भी पहले से माइक्रोजम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वरना इससे आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकता है, रिजल्ट में कई सारी कमियां आ सकती हैं। तो पहला पार्ट हमने देख लिया आपका कलेक्टिंग फ्लास्क का। मैं आपको पहले पार्ट के बारे में बता देता हूं, फिर तीनों को अपन असेंबल करके देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट होता है वो मेन असेंबली का एक हिस्सा है। इस पे आप देख सकते हैं, वैसे तो आपको छोटा सा एक पार्ट दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर दो तीन सब पार्ट का इमर्जन है। ये क्या क्या है मैं आपको पहले बता दूं कि आप सबसे पहले ऊपर व्यू को देखिए। यहां पे आपको एक किनारे किनारे थोड़ा सा हल्का क्या बोलना चाहिए, ग्रे कलर का सब्सटेंस दिख रहा होगा, डल का सब्सटेंस दिख रहा होगा। ये इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जब असेंबली फिट करेंगे तो वह आसानी से इसके ऊपर चिपक सके, एक थोड़ा सा अच्छा खासा ग्रिप बना सके। बीच में आप व्हाइट कलर का सब्सटेंस देख रहे हैं, बेसिकली अब फिल्ट्रेशन के लिए पार्ट देने की जगह है। इसके ऊपर हम फिल्टर पेपर जो कि इसी के साइज का होगा इसको हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास फिल्टर पेपर है नहीं तो मैं आपको बड़ा फिल्टर पेपर दिखा दूंगा वाटमैन का, बट उसी के जैसा अलग अलग कैटेगरी का, जैसे आपको बोला मैंने सेल्यूलोज का, तो उसको हम कट करके या जो ऑलरेडी साइज में होता उसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सो ये बिल्कुल पोर है, यहां से भी देख सकते हैं। इसके नीचे का अंदर देख रहे हैं तो ये एक प्रकार से फनल जैसा है। अगर हम बाहर के लेयर को हटा दें तो ये ऊपर का हिस्सा एक फनल का है, क्योंकि इसमें जब लिक्विड आएगा तो लिक्विड फिल्टर होकर के वायर दिस फनल एंड नीचे टपक करके आपके इस कलेक्टिंग फ्लास्क के पास जाएगा। दूसरा आप देख सकते हैं कि इसकी असेंबली के बाहर जो आउटर लेयर है हमारा ग्लास का, इसके इस तरफ एक आपको एक वेंट जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ दिखाई दे रहा है। इस वेंट का काम यह है कि इस पे हम पाइप को फंसाएंगे। आप यहां पे नोजल जैसा स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं ना ग्रिप के लिए, तो हम इस पे पाइप को फंसाएंगे और इस पाइप का दूसरा कनेक्शन आपके वैक्यूम पंप की ओर होगा। और उसके बाद जब असेंबली फिट हो जाएगी तो वैक्यूम पंप चालू करेंगे तो अंदर से वैक्यूम क्रिएट करेगा, हवा को खींचेगा, तो इससे जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो काफी फास्ट अप होने लगेगा। ऑल्दो यहां पे हम जो फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं वो इतना हाई ग्रेड का होता है कि इसमें जनरली फिल्टर का प्रोसेस है वो स्लो होगा। अगर आप वैक्यूम अप्लाई नहीं करते तो शायद हो भी ना पाए, तो हम इसमें हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं ताकि प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से फास्ट अप तरीके से फैसिलिटेट कर सके। तो ये हो गया बेसिक पार्ट। इसके नीचे जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये आपके को कलेक्टिंग फ्लास्क में जाकर के अटैच हो जाएगा ताकि जो भी फिल्ट्रेशन के बाद लिक्विड आएंगे, जो फिल्ट्रेट आएगा, वो आपकी कलेक्टिंग फ्लास्क में कलेक्ट होता चलेगा। आगे बात करते हैं हम एक और तीसरे फाइनल पार्ट की। तो ये आप देख सकते हैं जो कि अभी आपने देखा मेम्ब्रेन फिल्टर, इसके ऊपर की असेंबली है। अगर ये मेम्ब्रेन फिल्टर है, हमें यहां से लिक्विड को ट्रांसफर करना है, तो भाई यहां पे कोई छेका या कोई रोकने वाला तो कुछ है नहीं, बाउंड्री तो है नहीं, तो इसमें लिक्विड कैसे डाला जा सकता है? लिक्विड तो स्प्लिट आउट हो जाएगा बाहर तरफ, तो इसको हम इस पे अटैच करके लिक्विड को ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट जिसमें हमने देखा कि लिक्विड को कैसे ट्रांसफर करा जाए ताकि आपके मेम्ब्रेन फिल्टर से निकल करके आ जाएगा। इन हर एक पार्ट को, हर एक छोटी असेंबली को स्टेरलाइज करना जरूरी है। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है वह है फिल्टर पेपर। ऑल्दो दिस इज वाटमैन फिल्टर पेपर, इसका साइज तो काफी बड़ा है, बट हम इसी के अकॉर्डिंगली समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास वो फिल्टर पेपर है नहीं सेल्यूलोज का छोटा साइज का, तो उसको इसके ऊपर हम अटैच करते हैं जो भी आपने देखा मेम्ब्रेन फिल्टर, और उसका प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन प्रोसेस को अटैच करके दिखा देता हूं कि कैसे होता है असेंबली। ये हमारा कलेक्टिंग फ्लास्क हो गया,
इसके बाद जो हमारी दूसरी मेन असेंबली थी वो था आपका फिल्ट्रेशन यूनिट, इसी पे हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर को अटैच करने वाले हैं। तो इसको हम बहुत सावधानी से एसेप्टिकली, सब कुछ प्रोसेस एसेप्टिकली ही होगा, मैं आपको डेमो कर रहा हूं इसलिए वो पॉसिबल नहीं है कि आपको दिखा पाऊं। तो हमने इस कलेक्टिंग फ्लास्क में आपके फिल्ट्रेशन यूनिट को अटैच कर दिया, अब हमारा जो यूनिट है वो कुछ कुछ हद तक रेडी हो गया है। इसके बाद आप इसमें एक अच्छा खासा पाइप अटैच कर दोगे वैक्यूम पंप से, नाउ दिस प्रोसेस इज रेडी। अब हमको इसके ऊपर क्या करना है, फिल्टर पेपर लगाना है। मैंने कहा आपसे कि मेरे पास फिल्टर पेपर नहीं है इसलिए मैं इसको लगा के नहीं दिखा पा रहा हूं, बट इसमें आप फिल्टर पेपर लगाएंगे और हर एक चीज एसेप्टिकली ही होगा। जिस फोर्सेप को आप यूज करोगे ट्रांसफर करने के लिए, उस फोर्सेप को भी हम पहले ड्राई हीट मेथड के जो अंदर एग्जांपल है रेड हॉट हीट मेथड, या इसे कई कई बार रेड हीट मेथड भी कहते हैं, उसको फॉलो करके आप स्टरलाइज करोगे फोर्सेप्स को, उससे पकड़ करके आप उस फिल्टर पेपर को ट्रांसफर करेंगे। वंस फिल्टर पेपर हैज बीन ट्रांसफर ओवर द सर्फेस ऑफ दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस, आप इस असेंबली को अटैच करोगे। ये असेंबली कैसे अटैच होगा, यहां पे आपको लग रहा है कि ये गिर जाएगा, तो यहां पे थोड़ा सा एक प्रकार से कह लीजिए चिपकने जैसी एक्टिविटी इनके पास होती है, तो हम इसको जब यहां पे लगाते हैं तो ये यहां पे ये चिपक चुका है, हालांकि पूरी तरह से ग्रिप नहीं बना है, इसीलिए हम इसके बाद क्लैंप लगाते हैं जो आपको मैंने डायग्राम में दिखाया था व्हाइट बोर्ड में। ये क्लैंप इन दोनों पार्ट को पूरी तरह से अटैच कर देता है, फिक्स कर देता है। इसके बाद लेट मी शो यू, इसके बाद मैं तो छोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि गिर गया तो नुकसान हो सकता है, तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस ऊपर वाले पार्ट में इसको हमने अटैच कर दिया, ऊपर वाले पार्ट में हम सॉल्यूशन को डालेंगे, लिक्विड को डालेंगे जिसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग आप करना चाहते हो, और उसके बाद हम इसको वैक्यूम पंप को चालू कर देंगे। तो वैक्यूम क्या होगा, ये देखिए खोखला है, ये कोई अटका हुआ पार्ट बीकर जैसा नहीं है, तो इसमें हम लिक्विड को सिर्फ डालने की जगह बनाने के लिए ये जो सब्सटेंस है बीकर जैसा स्ट्रक्चर है वो हमने रखा, लिक्विड जाएगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करेगा और इस वैक्यूम के कारण से प्रोसेस बहुत फास्ट अप होगा और धीरे से फिल्ट्रेट होकर नीचे पूरा आ जाएगा। तो ये जब पूरा आ जाएगा इसके बाद हम क्या करना है, मान लेते हैं कि ये फिल्टर पेपर था, ये तो बड़ा है ये नहीं लगा सकते, मान लेते हैं कि ये वो फिल्टर पेपर है जो आपने ऊपर में लगाया था, तो प्रोसेस के बाद हम इस फिल्टर पेपर को एक पेट्री डिश पे जो अगार प्लेट हमारा रेडी है उसके ऊपर हम ट्रांसफर कर देंगे और उसको इंक्यूबेट करने देंगे। तो अगर इस फिल्टर पेपर में माइक्रोऑर्गेनिज्म होते, क्यों माइक्रोऑर्गेनिज्म होते, क्योंकि आपने उस लिक्विड को फिल्टर किया है, तो यूं कहूं कि उस लिक्विड में अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म होते तो जाकर के वो माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाते, तो और अगर नहीं होते माइक्रोऑर्गेनिज्म तो उसमें आता ही नहीं। तो अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म आ गए हैं क्योंकि लिक्विड में माइक्रोऑर्गेनिज्म था, तो हमने इसको एसेप्टिकली बहुत सावधानी से इसको ट्रांसफर कर दिया आपके मीडिया के ऊपर और कवर अप कर दिया, ताकि इसमें से जो माइक्रोजम है उस मीडिया को यूज करें और ग्रो हो सके। मीडिया होने के बावजूद ग्रो तभी होगा जब इस फिल्टर पेपर पे माइक्रोजम अडेर रहे होंगे, इस फिल्टर पेपर पे भी दोबारा रिपीट कर रहा हूं तभी माइक्रोजम आए होंगे जब आपके लिक्विड में होंगे। तो अगर कुछ समय बाद इंक्यूबेशन के बाद अगर आप देखते हो कि इसमें माइक्रोजम ग्रोथ हुआ है, दैट मींस आपके उस लिक्विड में माइक्रोजम था, और अगर इसमें माइक्रोजम ग्रोथ नहीं होता है इसका मतलब है कि आपके उस पर्टिकुलर सैंपल में माइक्रोजम नहीं था। तो यह था हमारा सिंपल स्टेरिलिटी टेस्टिंग मेथड फॉर डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसके अंदर टाइप 1 का जो हमने बात किया वह है आपका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस। उम्मीद करता हूं कि आपको जो आज का डेमोंस्ट्रेशन था थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। टेक्निकल रीजन से और फिजिबिलिटी ना होने की वजह से मैं इसके वर्किंग को एक लाइव मैनर में नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन आपको मैंने इसके बेसिक फंक्शन को डेमो करके दिखाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार, टेक केयर।